कल शुक्रवार था, अंतिम दिन था इस सप्ताह का पार्लियामेंट का, शनिवार था, तो प्रायः सभी लोग बाहर थे। वैसे ही कुछ पुराने मित्रों से भेंट हुई, बातचीत हुई और कोई खास काम हुआ नहीं। अमित शाह के नाम कुछ चिट्ठी छोड़ा है? भेंट नहीं हुई, मैंने कोशिश किया था मगर दिन में वो रोज़ दौरे पर रह रहे हैं, रात में आते हैं फिर सुबह निकल जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको एक नोट लिखकर छोड़ दिया था। आया था आपसे बात करने के मुद्दे से। क्या कुछ क्या नोट है सर? वो अब उसका खुलासा हो ही जाए, बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है, वो क्लियर कर दिया। खुलासा तो हो गया, इरादा आपको मिला होगा, मुझे नहीं लगता है कुछ छुपा हुआ है। नहीं, आप अपने आपका श्री मुख से तो सर सुनेंगे तो थोड़ा सा जो है वो याद नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा बाइक से। तब भाव ही बता दीजिए सर पत्र का। नहीं नहीं, मैंने पत्र में लिख ही दिया है कि जो कुछ विवाद की बातें हैं उनको हमको हम लोग उसी के समाधान कर लेना चाहिए। मैं तो 2017 के अगस्त से बात कर रहा हूँ, मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला था, तो उसका समाधान हो जाए तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्या है सर विवाद? विस्तार में जाना अभी नहीं, दो चार लाइन में सर अगर चाहे तो जाना ठीक है। सरकार की कार्य प्रणाली होती है, हमारी प्राथमिकताएँ होती हैं, कहीं ऐसा लगता है कोई काम है जनहित में उसका फल अच्छा नहीं निकलने वाला है, नहीं निकल रहा है, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। पत्रों का जवाब नहीं देने का मतलब कि दाल में कहीं ना कहीं निकाला है। महाधिवक्ता का मामला है, उनको कैबिनेट नियुक्त करती है और बार काउंसिल के अध्यक्ष के नाते कैबिनेट के सदस्य के बारे में बार काउंसिल से निंदा का प्रस्ताव पास कराते हैं। तो ये सब कई चीज़ें ऐसी हैं और कुछ आम रोज़मर्रे के काम की बातें हैं, जैसे जमशेदपुर में हमारे क्षेत्र में कॉलेज का यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जो कार्ड छपा उसमें मेरा नाम ही नहीं था। छोटी मोटी चीज़ें थी जिनसे आदमी आहत होता है, व्यथित होता है, तो उनको उसी का स्थान पर ही रखता है। इसलिए मैंने राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के पास कर दिया, फुर्सत होगी देखेंगे, जरूरत समझेंगे तो बात करेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि आप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज़ उठ रही है, तो क्या लगता है आपको कि अब भी आपकी आवाज़ भ्रष्टाचार है राज्य में? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रदूषण के खिलाफ तो मेरा हमेशा से ही अपना अलग ख्याल रहा है, मैं इसका विरोध करते रहा हूँ। अब सवाल यह है कि कोई आदमी भ्रष्टाचार का विरोध करता है, कोई आदमी उसका समर्थन करता है, कोई भ्रष्टाचार को उजागर करता है, कोई उस पर पर्दा डालता है, कोई भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार के साथ चलने की आदत डालता है, तो इसमें तो लोग ही ये तय करेंगे ना कि अच्छा क्या है, भ्रष्टाचार की मुखालफत अच्छा है या भ्रष्टाचार का पक्ष लेना अच्छा है। सर, तो मुझे मुखालफत करना अच्छा लगता है। सीधा सवाल सर एक पूछ रहे हैं, खबरों में आ रहा है कि आप इस्तीफा देंगे? ऐसा अभी नहीं है, कहीं ऐसी नौबत आई तो फिर सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, मैं तो कोई चीज़ छुपाता नहीं। तारीख भी बता रहे हैं कि 28 को देंगे। 28 तक हमने रखा है कि जो छोटे मोटे चीज़ें उनका समाधान हो जाए। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, 16 सौ रुपये पर आएंगे, उनसे बात समय हो सकती है, वो समाधान करेंगे, तो इसलिए मैंने एक समय दिया था कि इस तक हो जाए, बहुत हो गया। थैंक यू सर।